क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अरे कुछ बोलो भी यार, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो सर बोल रहे ना? हाँ, अब मुझे आवाज आ रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ क्या हाल चाल है तुम लोगों के? सर आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म हो गया अभी। आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म हो गया मतलब मजा आ रहा है। सर हम बहुत खुश है सर, आपने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी। अरे बिल्कुल यार, तुम लोगों ने मेरे से कहा था कल का कल करना, मैंने कल का कल कर दिया। चलिए पढ़े आगे। हाँ बोल भाई। आज खत्म इस बार जो JEE में क्वेश्चन आया है उसके शीट भेज सकते हो क्या? लास्ट टाइम भेजी थी ना, अभी जो मार्च अटेम्प्ट है। अरे मार्च अटेम्प्ट यार, पहले पेपर आएंगे, अभी तक ऑफिशियल पेपर नहीं आया ना। ओके जैसे ही वो आएगा वैसे तो भेजूंगा। खत्म करने वाले हैं यार, कोशिश तो यही करेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो सर आज ऑप्टिकल के पूरा ही खत्म करेंगे कॉन्फिगरेशन। हाँ यार ऑप्टिकल तो खत्म पर ही है, बस दो चीजें बची ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल खत्म हो जाएगा। मैंने आप लोगों को फोल्ड्स वगैरह पढ़ा दिया ना, फोल्ड्स क्या होते हैं और वो सब क्या होता है। हाँ सर। हाँ सर आगे समझ लो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स चल रहे थे, अब जरा समझ लो। मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड, इसमें पहले बताइए कितने कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर है ये, एक कायरल सेंटर है ये, तो दो कायरल सेंटर है, ठीक है, और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? चार। बिल्कुल चार। क्यों बनेंगे? 2^2। ये क्यों हो रहा है भाई? इसको लिख लेते हैं वन नंबर कार्बन, इसको लिख लेते हैं टू नंबर कार्बन। तो वन नंबर कार्बन के ऊपर R और S दो पॉसिबिलिटीज हैं, और टू नंबर कार्बन पर भी R और S दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसीलिए जो टोटल आएगा वो टोटल आ जाएंगे चार प्रोडक्ट्स, मतलब चार कंपाउंड्स आ जाएंगे, चार पेयर। ऐसे कैसे कैसे? आर आर पेयर, आर एस पेयर, एस आर पेयर और एस एस पेयर, ठीक है। तो इसीलिए अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। वैसे यदि आप और सेंटर्स ले लेंगे, मान लीजिए ये कंपाउंड दिया अनसिमेट्रिकल, एक कायरल सेंटर ये, एक 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 ये, तो एक कायरल, दो कायरल, तीन कायरल, चार कायरल, पांच कायरल, छह कायरल, सात कायरल, आठ कायरल, आठ कायरल हैं, हर किसी जगह पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो जो नेट इवेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2^8 इवेंट्स हो जाएंगे, इतने कंपाउंड्स बनेंगे। समझ में आ गया? तो सिमेट्रिकल इज वेरी, अनसिमेट्रिकल इज वेरी सिंपल। प्रॉब्लम आती है सिमेट्रिकल। मैंने रिकॉर्डिंग चालू की है ना सर? वो अनसिमेट्रिकल कौन से फ्रेम में, मतलब लोकेंड के फ्रेम में क्या? जैसे बिल्कुल वैसे जैसे एल्कीन्स में था ना, वैसे सेम, एग्जैक्ट वैसे ही, ठीक है। अब सिमेट्रिकल की बात कर, सिमेट्रिकल जैसे ही है कि हम यहां से नंबरिंग करें चाहे यहां से नंबरिंग करें, बात एक है, ठीक है। मतलब आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर दो, नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम आइदर साइड। तो यदि आप किसी भी तरफ से नंबरिंग कर दो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड। अब सिमेट्रिकल कंपाउंड के अंदर कितने कायरल हो गए? एक और दो, दो कायरल हो गए। देखिए फॉर्मूले से बाद में निकालेंगे, पहले काउंट करते कौन कौन से बनेंगे। ये वाला कार्बन वन, ये वाला कार्बन टू, तो वन पे दो पॉसिबिलिटी है आर एस, टू पे दो पॉसिबिलिटी है आर एस, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? आर आर, आर एस, एस आर और एस एस। पर क्योंकि कंपाउंड आइडेंटिकल है तो ये जो होगा
ये दोनों सेम ही कंपाउंड हो जाएंगे. और ये हो जाएगा मीजो. क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल कंपाउंड है. जितना मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जितना ये क्लॉकवाइज लाइट घुमाएगा उतनी ही ये एस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. इसीलिए इन दोनों से ही नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना आएगा, नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना आएगा, ये आएगा जीरो. तीन कंपाउंड यदि फॉर्मूले से काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 2^(n-1) + 2^(n/2-1) मतलब 2^(2-1) प्लस 2^(2/2-1) 2^(1) प्लस 2^0 इट इज 3. डन. ये कब है, जब ये आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन से कायरल सेंटर से. आगे देखिए आप फिशर बन गए. ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कंपाउंड क्योंकि कहीं से भी नंबरिंग करेंगे सेम चीज आएगी. और कायरल सेंटर कितने हैं, टी. सर वो बीच वाला नहीं होगा ना, कायरल क्यों नहीं होगा, है ना, ऊपर भी सेम ही कार्बन है नीचे. हाँ सर, सर वो बीच वाला नहीं होगा. अभी चुप. हाँ जी, तो कायरल सेंटर तीन है. तो पहले एक बार फॉर्मूले से निकालते हैं, टोटल कितने आ जाएंगे, 2^(3-1) = 2^(2), यानी कि 4. और ऑप्टिकली एक्ट, और इसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने आ जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2^(n-1/2), 2^(3-1/2), विच इज 2^(2/2), यानी कि 2^1, दो आ जाएंगे. अब ये तो हो गए, अब जरा समझते हैं थोड़ा सा और डेप्थ में कि ये क्या हो रहा है. आपका ये सवाल जेन्युइन, आपको ये लगता है कि ये वाला कंपाउंड कायरल नहीं है. नहीं, ये वाला कंपाउंड है सूडो कायरल. ये भी कायरल ही काउंट होता है, ये भी स्टीरियो सेंटर ही काउंट होता है, सब कुछ वैसे ही काउंट होता है, ठीक है. पर जरा थोड़ा डिटेल है, पर अभी ये कायरल है, इस पॉइंट पर ये कायरल है. क्यों कायरल है समझना, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये वाला कार्बन एस है और ये वाला कार्बन, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये वाला कार्बन आर. यदि मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो सिर्फ इस वाले कार्बन के लिए जो चार ग्रुप की प्रेफरेंसेस आएंगी वो कैसी आएगी, देखिए क्यों गाली खाना आता है अभी सुबह सुबह, ऐसे काम मत करके पिटाई हो जाए, इधर समझो. अब जरा इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला फर्स्ट प्रेफरेंस होगा. अब सीआईपी रूल्स के अंदर जरा लास्ट रूल याद करिए कि आर हैज ग्रेटर प्रायोरिटी ओवर एस, तो ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी, ऐसा होगा. तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये वाला कार्बन ये ऐसा है और ये हो जाएगा स्मॉल एस, ये कायरल है. चारों ग्रुप अलग अलग हैं अभी, जरा समझिए, जरा सूडो कायरल डिफाइन करते हैं. सूडो कायरल इट इज, लेकिन आपने तो बोला था कि डिसिमेट्री होनी चाहिए, इसमें तो कुछ डिसिमेट्री है ही नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है डिसिमेट्री. नहीं मतलब वो सूडो कायरल में सब पूरा सिमेट्रिकल है, आपने बोला था कि अगर सिमेट्री नहीं हुई तो फिर वो कायरल होता है. पॉइंट ये है कि क्या ये कायरल सेंटर है, क्या इसके अंदर दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, हाँ हो सकती है ना.
उसके हिसाब से दो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स बनेंगे. बनाता अभी एक मिनट देखता जा. इट इज ए काइरल एटम विच कैन बी अ काइरल. इट इज काइरल एटम विच लूजेस इट्स काइरलिटी ऑन चेंजिंग configuration of neighboring या nearby atoms. जैसे अभी ये है तो एक मिनट रुक जाओ डीएनडी लगाने दो. इधर देखो जैसे ये एटम अभी ये काइरल है इसका दूसरा फॉर्म कैसा होगा ऐसा ये CH3 ये CL ये H ये CL ये CL ये H ये H ये CH3. अब देखो नीचे वाला S हो गया ऊपर वाला आर हो जाएगा और ये वाला ये फर्स्ट प्रेफरेंस ये सेकंड प्रेफरेंस ये थर्ड प्रेफरेंस ये फोर्थ प्रेफरेंस एंटी क्लॉकवाइज विद फोर्थ ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल. तो अब ये बहुत पॉज हो रहा है. बहुत पॉज हो रहा है. हाँ सर बहुत अटक अटक के चल रहा है यार. तुमने मैंने कल अच्छा कहा था. तुमने कहा कि सर यही वाला रखना इसलिए ये रखा हुआ है. सर इसकी क्वालिटी अच्छी है इसके लिए. नहीं सर ज्यादा ही नहीं आ रहा. हम जानते हैं सर लैग नहीं आ रहा. नहीं आ रहा सर लैग. सर थोड़ा थोड़ा ही होता कुछ आता नहीं. तो ये जो कार्बन है अब ये स्मॉल आर हो गया. तो बेसिकली सूडो काइरल का जो नोटेशन होता है ना वो नोटेशन होता है स्मॉल आर और स्मॉल एस बस. और जिस वक्त ये काइरल है जिस वक्त ये सूडो काइरल काइरल है उस वक्त कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है. जैसे ये दोनों फॉर्म मीजोफॉर्म इसमें भी पीओएस है इसमें भी पीओएस है ठीक है. अब ये काइरल जब होगा मतलब जब ये अकाइरल होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा इसीलिए उसको सूडो काइरल बोलते हैं. समझा सर. पर वो कब अकाइरल आएगा ना. अभी आप कॉपी करोगे तो मेरे को वापस चित्र बनाने को मिलेगा फिर वापस बनाऊंगा. सर ये अभी क्या बोल रहे हैं सर वो आपने ऊपर वाले को आरएस की और फिर वो मतलब एक काम करो कॉपी करो. मैं दो डायग्राम और बनाता हूँ फिर वापस से बात करेंगे. मेरे को दो डायग्राम और बनाना इससे कि मैं अपना स्टेटमेंट पूरा क्लियर कर सकूं. ठीक है सर. भाई सर आपने अभी आखिरी वाला जो डायग्राम बनाया था ना उसमें नीचे वाले CH3 के ऊपर वो क्या लिखा है आपने ये. हाँ हाँ वही वाला एस. वो एस है ना. ठीक है सर. अरे भाई एक्सेप्शन कहाँ से आ गया.
मानस सर वो आपने नीचे क्या लिखा है टू पॉसिबल के बाद में टूरिस्ट फॉर इट इक्वल्स टू सो आई थिंक रॉन्ग है वो टू हर हर जगह पर दो इवेंट हो सकते हैं ना तो आठ जगह हाँ. पर दो दो इवेंट हो सकते हैं तो टोटल इवेंट कितने देंगे टूरिस्ट फॉर इट हाँ उसके आगे को क्या लिखा है आंसर ठीक ये नया टेक्स्ट है नया फॉन्ट है इसका नाम है एसएस फॉन्ट सर मतलब वो जिन वो जो मार्क किए हुए कार्बन हैं वो एक एक बार आर और एक एक बार एस होंगे ऐसे ही ना बिल्कुल सही ठीक है सर वो सिमेट्रिकल कंपाउंड में आपने जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन जीरो लिखा है उसका कुछ रोल है क्या नंबर ऑफ ऑप्टिकल अबे मीजो है वो दोनों कंपाउंड ये लिखा है ये दोनों आर और एस वाले आर और एस और एस और आर एक ही कंपाउंड है और ये मीजो कंपाउंड है और इसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन जीरो आएगा गाना गाना बंद करो भाई वो करने के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ सॉरी सर माइक फट रह गया कोई बात इट्स ओके बट डू नॉट सिंग सॉन्ग्स स्टीरियो सेंटर लिखा है सर बोल भाई वो ऑड पेयर मतलब सिमेट्रिकल ऑड वाले में जो दो फार्मूला क्यों है एक टोटल वाला अलग है और ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो ऐड करके है क्या नहीं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो टोटल माइनस ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे सर फिर वैसा इवन में क्यों नहीं है अब नहीं यार वो तो मैं इतनी मैथ जानता नहीं हूँ अभी तो प्रोबेबिलिटी काउंट करेगा तेरे को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर इवेंट्स कितने होंगे इवन में कोई भी सूडो कायरल कार्बन नहीं बनता है
जबकि ऑड के अंदर सुडोकरल कार्बन बनते हैं, इसलिए ऐसा है। सर मतलब मैं बोल रहा था कि मीजो फॉर्म के लिए एक फॉर्मूला है, टोटल आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव माइनस किया। हाँ सर समझा सर। हाँ बोलो सर। वो क्या लिखा है वो स्यूडो कार्बन में नीचे, इट लूजेस इट्स कायरेटी ऑन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नियर बाय एटम, नियर ही बाय लिख दिया क्या? नियर बाय एटम। सर इसके लिए नोटेशन स्मॉल आर और एस ऐसा लिखा है क्या होगा? सर और वो सी आई पी रूल और आर इज ग्रेटर देन एस क्या लिखा है? सी आई पी रूल के अंदर आर इज ग्रेटर देन एस था सर, फिर उससे क्या हुआ? मुझे क्या मालूम था वो सर वो क्यों लिखा है मतलब। अच्छा तो उसके अंदर चार वो जो छोटा सूडो करल एटम है उसके तो तू नोटेशन निकालना चाहेगा, तेरे को नीचे और ऊपर वाले के अंदर प्रेफरेंस देना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
नहीं समझा सर। हाँ सर प्रेफरेंस वाला समझा, पर वो उससे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कॉपी कर बाद में बताएंगे। सर सर बोल भाई। सर सूडो काइरल की डेफिनेशन में विच के बाद क्या लिखा है? लूजेस। ठीक है सर। वो कल वाला सिमेट्रिकल ऑफ और वो ऑड वाला एक बार फॉर्मूला फिर से लिखो ना। क्यों कल लिखा नहीं था क्या? सर कल लिखा था पर मुझे लग रहा रॉन्ग है क्योंकि मेरा मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला 2^(n-1)-2^(n-1)। कॉपी कर ले बताता। पहले कॉपी करो उसके बाद बात करेंगे। हो गया सर कॉपी। सर हेलो। बोलो सर। वो डिस्कशन का शेड्यूल भेज दो ना सर, वो मतलब क्लाउड ग्रुप पर भेज दूँ आज। और बताओ सर। और सर वो मतलब काइरल मतलब एसिमेट्रिकल होता है और फिर ये एसिमेट्रिक लूज कर रहा है, मतलब वो सिमेट्रिकल हो रहा है और फिर सिमेट्रिकल होने की वजह से वो तो काइरल वो तो ये शो नहीं करना चाहिए ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कॉपी करो, कॉपी हो जाए तब बताना, फिर वापस बात करेंगे डाइस पर चढ़ने के बाद। मस्त बैठा हूँ। कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। चलो फिर समझते हैं सूडो का रोल क्या है। तुम सब के अधिकतर लोगों के जो डाउट है ना वो एक ही चीज पर है और वो है सूडो काइरल। तो इसीलिए अब सूडो काइरल पहले समझेंगे फिर बाकी बात बाद में करेंगे। सर वो एक बार फॉर्मूला बता दूं। कौन सा फॉर्मूला बता दूं? सर वो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और ऑड कार्बन वाला बताता हूँ। और बोल और उसी में डाउट है। अरे यार बहुत ही खुफिया फॉर्मूला पूछ लिया तुमने, तेरे को पता है पिछले 10 साल का नोबेल प्राइज हर बार इसी भी चीज पर मिला, इसी फॉर्मूले पे मिला है। सच्ची उसको ये रियलाइज भी नहीं हुआ होगा। चलो देखते हैं वापस एक एक करके सुनते हैं। तेरा पीएनसी हुआ है क्या प्रणव? थोड़ा 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 हुआ है। अरे डिराइव मत करो सर, बस बता दो। मैं भावुक नहीं हूँ, मतलब तू ये क्या चाह रहा है? मतलब वो फॉर्मूला में थोड़ा सा ही एक बार बता। मतलब
उधर लिखा था ना टोटल आइसोमर्स इतने इधर से फॉर्म। यदि कंपाउंड सिमेट्रिकल है ठीक है और ऑड नंबर काइरल साइड्स तो 2^n-1 ये टोटल आइसोमर्स होंगे। पर यदि कोई तेर से पूछे कि इसमें मीजो कितने हैं तो वो है 2^n-1/2 ये मीजो आइसोमर्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे आपने ऑप्टिकल और मीजो दोनों अलग अलग दिए थे वो भी अलग दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इवन में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 2^n-1 + 2^n/2-1 ये जो हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ये इसके बाजू वाले जो हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं मीजो। अब जरा फिर से सूडो कायरल की तरफ जाते हैं। सर फ्रीज हो गए स्क्रीन मैं आया या फिर अभी भी फ्रीज ड्यू कहीं पर आ गए सर फिर फ्रीज आ गए सर अब वो ऑप्टिकल के आगे खड़े हो अभी भी इधर इधर मुझे अब ये बताओ ये कंपाउंड क्या है मीजो है कि मीजो नहीं है सर मीजो है पक्का मीजो होगा सर ये मीजो है सर मीजो। अब हमने कहा ये वाला जो कार्बन जो बेचारा मासूम पीओएस के अंदर फंस गया इसको अपन ने नाम दिया सूडो काइरल क्या नाम दिया इसको सूडो काइरल एटम और इसकी नोटेशन आई स्मॉल आर और स्मॉल एस ठीक है कोई बात नहीं। अब हम इसको देखिए हम आप दो चीजों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लगता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही ऑप्टिकल आइसोमर है पर ऐसा नहीं है ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो पर फिर भी ऑप्टिकल आइसोमर हो भाई ऑप्टिकल आइसोमर का ये मतलब नहीं है कि हर बार कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही होना चाहिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होकर भी तो ऑप्टिकल आइसोमर है ऐसे मीजो एक ऑप्टिकल आइसोमर है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव पर फिर भी ऑप्टिकल आइसोमर है वैसा ही है। तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में ये जो कार्बन है इसको सूडो काइरल बोला है ये इस इंस्टेंट पे काइरल है और इसका एक और जो दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है वो बन सकता है ऐसे ये CH3 ये CL ये H ये CL ये H ये CL ये H और ये CH3 और इस वक्त ये दोनों इस दोनों केस में सूडो काइरल है एक में स्मॉल आर एक में स्मॉल एस ये स्मॉल एस और ये यहां पे स्मॉल आर पर मान लो ये ऐसा है CL 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 H H CH3 CH3 H यदि आप इस इंस्टेंट पर देखेंगे तो ये S है ये वाला भी S है तो अब ये वाला कार्बन काइरल नहीं है ये काइरल नहीं है क्योंकि इसके ये वाला ग्रुप आइडेंटिकल है और काइरल नहीं होने के बाद भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये दोनों काइरल है
ये काइरल रिंग है, और इसका दूसरा जो फॉर्म बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो फॉर्म बनेगा ये वाला CH3 CL 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 H H H, और ये R और ये भी R, और ये अभी भी काइरल नहीं सर, है। आप बहुत देर से फ्रीज हो। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर, सर। सर हाँ। एक भी काइरल सेंटर होगा तो पर ये दूसरे फॉर्म सर, वो दूसरे फॉर्म में और पहले फॉर्म में ज्यादा फर्क नहीं है ना सर, उसको बस होते क्या तो थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा तो फर्क है ना सर, अगर एक भी काइरल सेंटर होगा तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना। हाँ तो फिर आपने सर बोल्ड स्टेटमेंट क्यों बोला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी एक अलग चीज है। समझ गया? हाँ सर आप समझे। मानस दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे भाई दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है, ये डिफरेंस है सर, बस ये पता वैसा वाला नहीं सर, आपने वो R greater than S क्यों लिखा था, क्योंकि वो CIP ने नियम में दिया है भाई, मैंने नहीं दिया CIP रूल पढ़ तो। हाँ सर पता है पर इसमें उसका यूज क्या था वही पूछ रहा था। अरे यदि तेरे को अब ये वाला कंपाउंड है ठीक है, ये वाला कार्बन R है, ये वाला कार्बन S है, अब इस वाले कार्बन के लिए चारों प्रायोरिटी दे तो ये वन होगा, सेकंड किसको मिलेगी, R नीचे वाले को कि ऊपर वाले को? ओ वैसा। हाँ वैसा। चलो मानस भाई क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है? हाँ सर क्लियर है। हाँ आगे तो ये मीसोफॉर्म्स एक से ज्यादा हो सकती हैं और होती हैं ठीक है, अभी आपके सामने ये सूडो काइरल भी क्लियर है। जैसे ये कंपाउंड है मान लो CH3 C double bond C H H C C L H C double bond C CH3 H H, क्या ये अभी काइरल है? ये सूडो काइरल, ये भी सिस है, ये भी सिस है, तो इस पॉइंट पर ये काइरल नहीं है, पर यदि ये वाली फॉर्म ऐसे होती अभी ये ट्रांस है, ये सिस है, और इस इंस्टेंट के ऊपर ये काइरल है। सर सर सूडो काइरल कैसे, क्या है ऊपर सूडो काइरल रिंग ना, आपने इधर लेफ्ट में लिखा कि आर और एस रहा तो लाइक सीआईपी रूल्स रहे तो फिर सूडो काइरल रहेगा, और इधर आपने सिस और ट्रांस दोनों सेम लिखा, तो सिस और ट्रांस के अंदर सीआईपी रूल्स नहीं आते क्या, ई और जेड में सीआईपी रूल्स नहीं आते क्या? सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस ये आता है ना, तो फिर ऊपर वाला सूडो काइरल कैसे रहेगा, दोनों सिस ही है तो अभी इस वक्त तो ये काइरल नहीं है, यहां पे ये काइरल है ना, तो लेफ्ट वाले में आर और एस का आपने जब बोला आर इज ग्रेटर देन एस तो आपने उधर भी सूडो काइरल लिखा, आपने उधर काइरल नहीं लिखा। ठीक है मैंने अपने आप को चेंज कर दिया ना, तो सूडो काइरल ही लिखते हैं वो, मैंने भावुक होकर काइरल लिख दिया, तो दोनों सूडो काइरल है ऐसा? बिल्कुल दोनों ही केस में सूडो काइरल है वैसा।
बस जब वो काइरेलिटी आया देखते हैं कि तो कौन सा ऐसा एटम है जिसके दोनों तरफ सिमेट्री अचीव हो सकती है। सर ये और नीचे आपके काइरेलिटी मतलब उसका रीजन क्या है क्या अभी ये सिमेट्रिक है तो इसके लिए R या S नहीं लगाया जा सकता। अब ठीक है निलय सर एक बार फिर से बता दो ना वो सब इसको सूर्य कायरल बोलते हैं इसको कायरल बोलते हैं तेरी बात सुन ये जितने भी सेंटर एटम्स हैं सब सूडो कायरल है। मैंने सिर्फ ये बोला कि इस इंस्टेंट के अंदर ये दोनों पे एक अलग अलग नोटेशन लग सकती है ये आर है ये एस है जबकि इस वाले एटम पर ये वाला ये जो मॉलिक्यूल है नीचे वाला इस वाले पे ये सिमेट्रिक है मतलब इसके ऊपर आर और एस नोटेशन नहीं लग सकती है बस इतना मान लो। हाँ और दोनों नीचे वाले भी दोनों स्यूडो कायरल है कौन से हाँ ये वाले सर तो जो आपने आखिरी एग्जांपल लिया है उसमें ऊपर वाला नहीं है और नीचे वाला सूडो कायरल है ना। अरे दोनों सूडो कायरल है सूडो कायरल एक ही एटम को इसको सूडो कायरल बोलेंगे तो कभी कभी ये सिमेट्रिक है और कभी कभी ये असिमेट्रिक है ऐसा मान लो। अब ठीक है सर मतलब ट्रांजिशन स्टेट में क्या नहीं ट्रांजिशन में नहीं कुछ कंपाउंड मतलब एक तरह के ये दोनों आपस में क्या है ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स वैसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है पर ऑप्टिकल आइसोमर्स भी है। सर फिर सिस और सिस वाले में वो कायरल नहीं होगा और इसमें कायरल हाँ मैं सिस और सिस वाले में वो असिमेट्रिक नहीं होगा सिमेट्रिक होगा और ट्रांस और सिस वाले में वो असिमेट्रिक होगा। हाँ अभी ठीक है सर। हाँ सर मतलब वो एटम के अगल बगल में मतलब उसके नोटेशन का उसके सूडो कार्बन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नहीं गधा इज ए गधा उससे पता नहीं उससे ये नहीं होता वो कितना स्मार्ट हो गया तो उसको अपन घोड़ा बोलने लग जाए गधा इज ए गधा। अभी ठीक है हाँ सर समझ गया। गर्मी हो गई यार एकदम से पता नहीं कैसे इतनी सारी आगे अगला ज्योमेट्रिकल हो गया पता नहीं क्या बात कर रहे इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो सूडो कायरल हो गया। अब पढ़ते हैं देखिए इतना मुझे पढ़ाना था एब्सोल्यूट सिस्टम में वो मैंने पढ़ा दिया एब्सोल्यूट सिस्टम हो चुका है। अब आता है रिलेटिव सिस्टम फॉर आइसोमेर फॉर ऑप्टिकल आइसोमेर और इसमें हम पहले पहला पढ़ेंगे डीएल सिस्टम और ये यूज किया जाता है शुगर्स में एंड अमीनो एसिड्स। देखिए शुगर्स कैसी होती हैं ऐसे यदि शुगर्स का फिशर ऐसे बनाया जाए इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल मतलब जो मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट का कार्बन है कार्बन वो टॉप सर ये वाला डायग्राम आपने वो बॉन्डिंग में भी बनाया था ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है ये बनाया होगा भाई बहुत जगह बनाता हूँ सर। मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन टॉप पर हो और CH2OH यदि बॉटम पर हो ठीक है तो
यदि लास्ट का लास्ट कायरल कार्बन का OH यदि राइट में है तो इसको लिखेंगे D, और यदि लास्ट कायरल कार्बन का OH लेफ्ट में है तो उसको लिखेंगे L। मतलब यदि ये OH राइट में है और ये H इधर है तो इसको लिखेंगे D, यदि ये OH इधर होता तो इसको लिखते L। बस आर वी क्लियर, आर वी क्लियर सर? इतने से उसकी पूरी प्रॉपर्टीज उल्टी हो जाती है? नहीं कुछ नहीं होता है, केवल लिखने के लिए लिख देते हैं सर। वो सर वो एक वो, बार ई और एल कैसे आइडेंटिफाई करते एक बार बताओ ना सर। वो ऐसे कॉपी करो फिर बताऊं, पहले कॉपी कर लो फिर बताओ। वो डी और एल वही है ना, डेक्सट्रो लिवो? नहीं डी और एल डेक्सट्रो लिवो नहीं है, वो स्मॉल डी स्मॉल एल होता है। पहले कॉपी करो फिर बताऊंगा, थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊंगा। कॉपी कर लो फिर बताता हूं, टेंशन ले लो। सर स्क्रीन गई, सर अभी भी नहीं है सर। स्क्रीन है? हाँ स्क्रीन है, स्क्रीन गई। मैं ये मुझे समझना है, अभी अभी नहीं सर। आ गई सर, आ गई सर। सर आपने प्रेजेंट की क्या? क्या वो ये दिख रही सर स्क्रीन? मतलब अब सिर्फ एस एस आ रहा है, वो मतलब प्रेजेंट हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा। नहीं नहीं मेरी प्रेजेंटेड है स्क्रीन। मैं डिवाइस चेंज करूं क्या? नहीं सर यही अच्छा है। नहीं सर यही अच्छा है। मानस स्क्रीन नहीं क्या भाई? सर लगता है वो रिजॉइन कर रहा। वैसे आप सबको मुबारक हो, महाराष्ट्र ने कल रिकॉर्ड बना दिया अपना नया। कल 1500 थे सर। कहाँ पे? अरे महाराष्ट्र ने, औरंगाबाद ने नहीं? औरंगाबाद में, औरंगाबाद ने 1672 थे कल, महाराष्ट्र ने 25,000 का रिकॉर्ड बनाया ना सर। मुंबई को भी क्रॉस कर दिया औरंगाबाद ने? नहीं नहीं मुंबई को क्रॉस कर दिया, इतनी हिम्मत थोड़ी ना बेचारे की। 2800 था मुंबई, मुंबई को क्रॉस नहीं कर सकता। सर लेने वाले हो क्या? नहीं यार कल मैं डाउट सेशन नहीं लेने वाला हूँ। मैं कल क्लास नहीं है क्या? कल नहीं, मैंने डीपी भेजी है ना आज आप लोगों को। सर कल क्लास नहीं है? नहीं सर वो आधा नगर।
क्या हुआ सर? डिस्कशन शेड्यूल था ना कल? हाँ हाँ बिल्कुल था, मैं जानता हूँ, दुख भी होगा मुझे, पर अगले हफ्ते मैं कर लूंगा उसको डिस्कशन पूरा। तो जो सीसीस वाला है वो उसका जो कार्बन है वो सुलभ कायरन नहीं है ना? वो कायरन को शो ही नहीं करता ना। अच्छा प्रणव भाई तेरे से सवाल पूछूं, तूने अभी तक एक सूडो कायरल में क्या सीखा? सूडो कायरल कायरल भी है और नहीं भी है। हाँ पर वो है तो नाउन ही ना एक तरह से, तो वो कभी कभी कायरल है, मतलब कभी कभी वो असिमेट्रिक है और कभी कभी वो सिमेट्रिक है, बस ऐसा मान के चल। सर आप भी असिमेट्रिक सिमेट्रिक कहते हैं, कायरल जानता हूँ। मैं कायरल डाल देता हूँ ना तो फिर बाकी और कंफ्यूजन बहुत बढ़ जा रहा है, इसीलिए फिर कायरल हटा दिया। कभी कभी वो से ज्यादा तो कॉपी कर, कॉपी रिकॉर्डिंग देखना मैं डालूंगा। पहला कायरल नहीं है ना? नहीं नहीं मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डालूंगा तो रिकॉर्डिंग देखना आराम से, एंजॉय करना। सर मैं ध्यान से सुना था सर, कोई बात नहीं, पर अब मेरा दिमाग का वो आउट हो गया है, बाहर मस्त माहौल हो रखा है वो देख रहा हूँ मैं, बादल बादल हो रखे हैं, बस बारिश हो जाए थोड़ी सी। सर नॉर्मल जो रिकॉर्ड लेक्चर्स थे उसमें तो हम दो बार देखते ही थे सर, तो फिर रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग भी तो और एक बार देखनी चाहिए ना? नहीं यार मतलब ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है ना यार, आपकी यदि अंडरस्टैंडिंग पूरी हो गई तो फिर रिकॉर्डिंग देखना इधर टाइम वेस्ट। क्या होता है मतलब आप लोगों को मतलब बच्चों को ये लगता है कि ना रिकॉर्डिंग देख के या बार बार सुनने से सीखने को आता है, नहीं, हमेशा सीखने को आता है कि जितना आप जितना प्रैक्टिस करोगे, इतना खुद से पढ़ोगे ना उतना। अबे जोर तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इतना ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतना ज्यादा आपको सीखने को आएगा, रिकॉर्डिंग देख के नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना हम बहुत सारी चीजें ना बहुत बाद में विजुलाइज करना सीखते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि यार हम लोग आपको मॉलिक्यूल्स का उतना प्रॉपर विजुलाइजेशन दे नहीं सकते, थोड़ा तो ऐसा अजीब सा लगता है। यदि आप क्लास में हो मतलब अपन यदि बिल्कुल सामने देख के पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ आसान हो जाता है, तो इसीलिए आप उतनी बार ही देखो इतनी बार में आपको समझ में आ जाए, और यदि एक बार को समझ में आ जाए तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए मत देखो, उस टाइम में पढ़ाई करो, उस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करो। और एम एस चौहान सॉल्व कर सकते हैं इस उमर्जन की। सर आप में आप सर आप ये जब तक लॉकडाउन है तब तक मिनिमम मतलब मिनिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता ऑनलाइन में, लेकिन ऑर्गेनिक में आता है प्रॉब्लम थोड़ा ऑनलाइन में। यार भाई मेरे को मैं लेना ही नहीं चाह रहा था, पर क्या हुआ ना एक बार था कि अभी ओपन हो जाएगा अभी ओपन हो जाएगा, फिर अब बंद हो गया। तो ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद मैं ऑर्गेनिक लूंगा जुलाई में, ऑर्गेनिक लूंगा ही नहीं, पहले फिजिकल खत्म कर लूंगा, इनऑर्गेनिक खत्म कर लूंगा। सर फिजिकल पूरा खत्म हो जाएगा अभी एक दो दो तीन महीने में? यार फिजिकल बहुत ज्यादा होता नहीं है ना यार, मतलब देख अभी तुम्हारा सिलेबस कितना बाकी होता है बताओ, इनऑर्गेनिक के बाकी है 8 और 5 13 13 और 4 17 17 और 4 21 लेक्चर की तो इनऑर्गेनिक बाकी है आपकी, बस मतलब सब कुछ आ जाएगा 21 लेक्चर में, सब कुछ जो आप जा सोच सकते हैं वो सब। फिजिकल में बाकी क्या इतना भी मत डराओ सर, क्यों सर बाकी का पूरा हो इतना लाइक इतना सा बाकी है सिर्फ, बाकी इनऑर्गेनिक हाँ, पर लेकिन इनऑर्गेनिक इतने चैप्टर्स थे वो किसमें वीके जे में तो क्या होगा सर, सर पहले 3 चैप्टर किए अपने। देख क्या होता है ना तुम लोगों को जो लगता है वैसा होता नहीं है, जैसे अभी अपन ने इतनी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है ना शुरुआत में, उस केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारा पी ब्लॉक और बहुत सारा एस ब्लॉक खत्म हो जाता है पहले ही,
ठीक है, तो वो आप लोगों को लगता है कि वो चैप्टर नहीं हुआ हुआ है, पर वो वास्तव में वो चैप्टर हो जाता है। सर वीके जैसवाल में तो इंफॉर्मेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो तो किधर भी नहीं है केमिकल बॉन्डिंग। नहीं वो बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए तो वो बात है कि भाई जो जो है जो समझने वाला पार्ट है जो अपन पढ़ के सीख सकते हैं वो वाला पार्ट करने के लिए अपने को 21 लेक्चर लगने वाले हैं सब मिला के, 21 ऑन दी हायर साइड बोला है मैंने पहले भी, मतलब 15 से 21 के बीच में कितना भी टाइम लग सकता है, आप कितना तेज कॉपी करते हैं उसके ऊपर है। फिजिकल के बाकी हैं 8 और 5 13 13 और 10 23 23 और 15 38 तकरीबन 55 एक लेक्चर फिजिकल के बाकी है बस, और ऑर्गेनिक के 32 लेक्चर बाकी है। सर आप नहीं, तो दो घंटे वाले लेक्चर बोल रहे हैं, डेढ़ घंटे के वाले लेक्चर बोल रहे हैं ना? हाँ क्या चाहता है तो टाइमिंग में ये बता भाई तू। सर कंटिन्यूस ही रख दो ना, मतलब नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, इसके अलावा बता। कंटिन्यूअस नहीं रखूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में बच्चे सोएं। तो सर लास्ट में रख दो, सर 6:30, 5:30, 6 बजे रख दो ना भाई। 5:30, 6 बजे यार हम, मेरे को समझ में, इंस्टीट्यूट आके पढ़ा रहा होता हूँ, यदि मैं घर से पढ़ा कोई तो पूरा शेड्यूल बना दिया। सर अभी तो कॉपी करना भी हो गया, प्लीज बता दो ना वो सिस वाला। क्या बता दूं? वो सिस वाला पायरल नहीं होगा ना कार्बन? हाँ वो असिमेट्रिक नहीं है सर। हम एंड में रुकते हैं, आप और एक बार बता दो सर वो सूडो काइरल। तुम लोग है ना, एक समझो, तुम लोग एक चीज, सूडो काइरल एक ऐसा कार्बन है जिसका कभी कभी नोटेशन आ सकता है और कभी कभी नोटेशन नहीं आ सकता है, बस खत्म बात। उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, तुम क्या क्या हाँ, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ सर समझा, सिमेट्रिक हुआ तो काइरल नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो काइरल, बस बात खत्म। हाँ हो गया, अब पूरा हो गया। उसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कंसेप्ट है तो मैं मेहनत भी करूं। वो बिल्कुल सीधा सा है कि भाई कभी कभी उसके अंदर सिमेट्री है और कभी कभी खत्म। सर फिर जुलाई के बाद हम सिर्फ ऑर्गेनिक ही करेंगे का? मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक ही है जुलाई के बाद? यार देखेंगे ना मानस, यार अभी अभी बहुत ज्यादा लंबा हंच है, जब आएगा तब का तब डिसाइड कर लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। वापस समझो, ये सी एच ओ, ये ओ एच, ये एच, ये सी एच टू ओ एच, और एक इसकी मिरर इमेज सी एच ओ ओ एच एच सी एच टू ओ एच, ये कंपाउंड है ग्लिसरल डिहाइड। ये है डी ग्लिसरल डिहाइड, ये है एल ग्लिसरल डिहाइड। सर ग्लिसरल डिहाइड तो हम पैड से लेता है क्या? पैड से लेता है ना ये ग्लिसरल डिहाइड? बिल्कुल, शुगर होती है ये, स्मॉलेस्ट शुगर होती है, और बॉडी और प्लांट के अंदर सबसे पहले यही वाली शुगर बनती है। इसीलिए इस, और जो भी कोई आगे कार्बन ऐड होते हैं ना 3 के बाद 4, 5, 6, 7 वो इस वाली साइट पे ऐड होते हैं। ये वाली साइट हमेशा यही बनेगी, इसीलिए प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी में जितनी शुगर होती हैं वो सब इसी कंफर्मेशन की हो सकती हैं।
क्योंकि ग्लिसरलडिहाइड वो पहला मॉलिक्यूल है जो बनता है और उसके बाद जो भी कुछ ऐड होता है वो इधर ऐड होता है, इधर कोई ऐड नहीं होता है, इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर सर किधर फाइबर ऑपर बताना सर, लैक्टिक एसिड में भी वो ऊपर वाले उसके ऊपर ओ लगता है क्या? मतलब लैक्टिक एसिड का एक बार फॉर्मूला बनाओ ना, वो ऊपर वाले पे लगता है क्या, सेम ही रहता है क्या? यदि फिशर बनेगा गोल्डन रूल से तो ऐसा ही बनेगा, सिंपल। सर पर लैक्टिक एसिड शुगर थोड़ी है अमीनो। अरे वो कुछ भी हो, मतलब तुम यदि इसकी जगह ग्लिसरिक एसिड लगा दो तो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ओ एच, ये एच, ये सी एच टू ओ एच, तो ये डी फॉर्म। तुम यहाँ पे लगा दो R C डबल बॉन्ड ओ एच सी एच टू ओ एच, ये H, ये राइट में है तो ये D कंपाउंड वैसा है। अब अमीनो एसिड्स की यदि बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं ऐसे, C डबल बॉन्ड ओ एच ऊपर, ये R ग्रुप नीचे, ये H, ये N H2, ये अल्फा कार्बन है sp2 के बाजू वाला, इस पे अमीनो एसिड है, इसीलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। और ह्यूमन बॉडी में जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सब अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। अब यदि ये ग्रुप ऊपर है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का C डबल बॉन्ड OH, और ये NH2 राइट में है तो ये D, और यदि ये NH2 लेफ्ट सर मीटिंग से चले गए सर। तो यदि ये NH2 राइट को है तो ये D है, और यदि ये लेफ्ट को है तो ये L अमीनो एसिड है, और हमारी बॉडी में जितनी भी अमीनो एसिड होते हैं वो सब L होते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद होता है अगला सिस्टम थ्रियोरिथ्रो सिस्टम। ये थ्रियोरिथ्रो सिस्टम भी जो आता है ना, ये भी शुगर से ही आता है, कि यदि आपने गोल्डन रूल से शुगर बनाई ये, और ये दोनों ग्रुप यदि एक साइड है तो इसको बोलते हैं इरिथ्रो, और यदि ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पे है तो इसको लिखते हैं थ्रियो। तो ये डी थ्रियो है, ये डी इरिथ्रो है। ठीक है, मतलब यदि आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, इसमें दो कायरल सेंटर है, और दो कायरल सेंटर के अंदर आप ऐसा बना सकते हो कि ये दोनों ग्रुप एक साइड आ रहे हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं इरिथ्रो, और यदि ये दोनों अपोजिट गए तो लिख सकते हैं थ्रियो। ठीक है,
डन। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ, ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनेंसोमर्स नहीं, डाइसोमर्स। ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ स्टीरियोस। देखिए पहला डाइस्टीरियोमर्स के लिए दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेक्सचर एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा they can be separated by easy separation methods like distillation. यदि सिस्ट्रांस की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में सिस का मेल्टिंग पॉइंट नहीं, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन सिस का मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये पैकिंग पे डिपेंड करता है और पैकिंग ऑफ ट्रांस इज बेटर देन देन पैकिंग ऑफ सिस, और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डायपोल पर, और डायपोल में सिस का डायपोल ट्रांस से ज्यादा होता है। इतना कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। सर क्या पैकिंग? कॉपी करिए फिर बताता हूं। सर हेलो सर, आवाज आती है ना मेरी? हाँ हेलो सर, वो अमीनो एसिड्स में वो फर्स्ट एग्जांपल में एल अमीनो एसिड है, फिर आर अमीनो, टू अमीनो एसिड है। नहीं नहीं सर, ये आर जो होता है ना ये वेरिएबल ग्रुप होता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स के अंदर बेसिकली केवल एक पोजीशन में वेरिएबल आता है भाई, कई वेरिएबल नहीं आता है। तो यदि ये NH2 लेफ्ट में है तो इसको L अमीनो एसिड बोलते हैं, और यदि NH2 राइट में है तो इसको D अमीनो एसिड बोलते हैं, बस। ठीक है सर, वो जो क्लोरीन वाला है, एरिथ्रो वाला, तो उसका डी ए क्या एल है? वो डी और एल है ही नहीं, वो तो शुगर सही नहीं ना, ये उसके हिसाब से बना है ना, गोल्डन रूल के हिसाब से लगा है, वैसा है। सर सर
हाँ भाई हाँ सर, एक डाउट था। बोलो सर, ये जो हमने डी और एल डिफाइन किया है, ये सिर्फ नाम है या इससे कोई प्रॉपर्टी में भी चेंज आता है? नाउन्स, नाउन, नाउन। ठीक है सर। सर वो जो अमीनो एसिड्स है उसमें तो सी एच ओ है ही नहीं, सी एच टू एच है, तो उसमें आर ग्रुप होता है, वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं सर। सी एच थ्री वो सी एच थ्री होता है एलेनिन। अरे यार सुनना पहले भाई। हाँ वो सी एच थ्री होता है एलेनिन के अंदर, वो सी एच टू पी एच होता है फिनाइल एलेनिन में, वैसा होता है। तो वेरिएबल ग्रुप होता है, उसी के हिसाब से अलग अलग 20 अमीनो एसिड बनते हैं सर। पर गोल्डन रूल तो फॉलो हुआ है, क्यों नहीं हुआ? CH2OH एट द बॉटम से, वो CH2OH का मतलब है कायरल कार्बन एट द बॉटम। अभी ठीक है? ओके। सर बोलो सर, किसी कंपाउंड में अगर NH2 और OH दोनों आ गए तो एक ही इसके ऊपर नहीं आएंगे?
सर बोलो वो सिसेंट्रांस डायस्टीरियोमर्स का ही इलॉन्गेशन है। हाँ हो गया। हाँ सर एक मिनट सर। हो गया। अरे चलिए अब मुद्दा है कि पैकिंग क्या होती है। सर आप थोड़ा हिस्ट्री भी बताने वाले थे इसकी। सर वो डी और एल की नाम उनके बताऊं क्या बता दो सर। सर वो क्या होता है सर वो ग्लिसरल डिहाइड जो होता है ना क्या हो गया एक सर क्या एक डाउट है कि टेक्सचर जो है वो टेक्सचर किसका मतलब सॉलिड किसका टेक्सचर। अरे लिक्विड का भी टेक्सचर होता है भाई वो तो विस्कोस। हाँ मतलब वही विस्कोसिटी डेंसिटी वो सब कुछ ऑल्टर करता है। देखो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इतना भाव देके क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। वही बात जो उस दिन हुई थी कि लिवोसिट्रिजिन होती है लिवोसाल्बुटामोल होता है तो जो पहला कंपाउंड है जिस कंपाउंड के ऊपर पूरा मॉडल बना है वो कंपाउंड है ये वाला। कौन सा वाला जो बना हुआ है स्क्रीन पर ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड वो पहला मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर सब कुछ मैच खाता है। इसमें ग्लिसरल्डिहाइड नहीं है ना ये ऊपर COH है। सॉरी ग्लिसरल्डिहाइड CH ये वो पहला मॉलिक्यूल है जिसपे हर चीज मैच खाती है। अब हर चीज मैच खाते का क्या मतलब है सारी प्रॉपर्टीज मतलब ये इसका कैपिटल डी स्मॉल डी पॉजिटिव और आर सेम आता है। ये इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हम लोग पूरे कंफर्मेटरी उसके साथ बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड में आर और आर मतलब क्लॉकवाइज नोटेशन डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन कैपिटल डी मतलब क्लॉकवाइज नोटेशन इसमें सब कुछ वैसे ही आता है तो ये मॉलिक्यूल इसलिए जरूरी होता है ग्लिसरल्डिहाइड समझा।
और जब ये एक बार इसको नोटेट कर दिया गया उसके बाद ये पाया गया कि डेक्स्ट्रो और ये कैपिटल डी ये मैच नहीं खाते बाकी और कंपाउंड्स में, इसीलिए इसको एक पूरा अलग सिस्टम ऑफ शुगर्स बना दिया गया। सर ये सारे बायोमोलिक्यूल्स किससे फिशर बनती है ना? नहीं सब कुछ बना सकते हैं यार, वो तो इच्छा है तेरी, तू क्या बना चाहता है। आगे अब पैकिंग की बात थी, पैकिंग क्या होती है? पैकिंग होती है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3D लैटिस, इसको बोलते हैं पैकिंग। और ट्रांस जो होता है ना वो बेटर पैक होता है ऐसे। जबकि सिस में ये बेटर पैक नहीं हो पाता, ये पैकिंग ही पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। जबकि यहां पे ये बहुत ही आराम से पैक होता है, एफिशिएंट, देयरफॉर हायर मेल्टिंग पॉइंट। और जहां तक अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में ट्रांस इज बेटर देन सिस, क्योंकि ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। और सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स में क्या आता है? देखिए एनेंशियोमर्स हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेक्सचर, स्मेल, सब कुछ सेम होता है इनमें। ठीक है, और इसीलिए देयरफॉर दीज कंपाउंड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। और क्या डिफरेंट है? दीज हैव डिफरेंट रिएक्शंस विद अदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो प्रॉब्लम यह है कि एनेंशियोमर्स का सब कुछ सेम होता है तो आप उनको अलग अलग कैसे करोगे? इसीलिए सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर्स इज कॉल्ड एनेंशियोमर्स is called resolution, उसको बोलते हैं resolution, और separation को हम बोलते हैं resolve। ठीक है, जब दो बहुत fine चीजों को separate करने के लिए term use किया जाता है that is resolution, resolve करना। तो यहाँ पे उनको resolve किया जाता है, और resolve कैसे करते हैं इसका method होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक मिक्सचर लेते हैं, भाई हमको क्या करना है, हमको दोनों एनेंशियोमर्स को अलग अलग करना है, तो हम क्या करते हैं मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स लेते हैं, थोड़ा सा आर थोड़ा सा एस चलेगा, ये आधा आधा एस। तो अब हम इस मिक्सचर को रिएक्ट कराते हैं विद अदर ऑप्टिकली एक्टिव, अदर प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और लेट्स से ये है आर डैश। ठीक है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर, और इससे रिएक्ट कर गए तो अब ये क्या बनाएगा, आर आर डैश बनाएगा, और एक तरफ बनेगा आर डैश एस। ये दोनों अब डाइस्टीरियोमर्स है, और अब ये आराम से डिस्टिल हो जाते हैं अलग अलग, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो डिस्टिलेशन आराम से होता है। और डिस्टिल करने के बाद अब आपको दो अलग अलग
कंपाउंड मिल जाते हैं, एक मिल जाता है आर आर डैश और एक मिल जाता है आर डैश एस। और अब आप रिएक्शन रिवर्स कर लेते हो, रिएक्शन रिवर्स जो आपने करवाई थी वही, तो ये बन जाएगा आर प्लस आर डैश, तो ये आपको प्योर आर मिल जाता है और यहां पर ये मिल जाता है आर डैश प्लस एच, तो ये आपको प्योर एस मिल जाता है। इसका इस टेक्निक को बोलते हैं रिजॉल्व करना, और रिजॉल्व करने में भी केमिकली रिजॉल्व करना। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये समझ में आया ना रिजोल्यूशन? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली अपने इनेंशियोमर्स को डाइस्टीरियोमर्स बना के अलग अलग कर लिया। देखो मैं आज यदि आप चैट में कुछ भेज रहे हो तो मेरे को चैट में कुछ नहीं मिलेगा ना आज, क्योंकि मैंने इसको साइलेंट किया हुआ है। आगे देखिए, अब एक टाइप का क्वेश्चन बनता है फाइंड आउट हाउ मैनी मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। टाइम क्या हुआ है? सरपास 10। कॉपी। सर आज नहीं बताना खत्म। ऑप्टिकल आइसोमर तो हो गया खत्म, क्वेश्चन करवाना है वैसे। सर एक और क्लास लगेगी ना खत्म करने के लिए। मतलब पूरा आइसोमेरिज्म? हाँ सर। हाँ थोड़ी सी, नियरली आधा पौन घंटा, 45 मिनट्स। नियरली, पर पहले प्लीज वो कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा। टाटा बाय बाय, माफ करो। Thank you.
एक काम करते हैं ना, क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता दें। ऑप्टिकल आइसोमर तो हो चुका है, एक टाइप का क्वेश्चन कराया था, वो नहीं भी कराया तो भी चलता है, वो हम आगे भी करा सकते हैं, दो तीन बार करवाते हैं टाइप का क्वेश्चन, तो वो नेक्स्ट क्लास में एक बार को देख लेंगे, एक ही क्वेश्चन करवाते हैं और बाकी का कन्फर्मेशन आइसोमर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, 100% है, पढ़िएगा, मैंने डीपी भी भेजी है, उसके अंदर आपको एनेंचियोमर डायस्टेरोमर पहचानने हैं, वो पहचानिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसको नोट करिएगा, मैं अगले वीक में बहुत सारे मतलब द वे आई एम सीइंग इट, नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं हर रोज सिर्फ डिस्कशन ही लगाऊं वो चैप्टर खत्म करने के अलावा, ठीक है? ठीक है सर, मतलब वो आप गैसियस स्टेट से लगाने वाले क्या? नहीं, सबसे पहले जीओसी कराऊंगा, जीओसी के साथ फिर डीपीपी लगाऊंगा, वो जो आज डीपीपी दिए वो जरूरी है मेरे लिए, तो वो डीपीपी का डिस्कशन होएगा। तो एक दिन तो क्या होगा, जैसे आज का अपन मानते हैं ट्यूसडे को पेपर डिस्कशन होगा, वेडनेसडे को मैं लिख देता हूँ या फिर मैं फोटो भी खींच के रख लूंगा, आप लोग यदि अपने इनपुट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ट्यूसडे पेपर डिस्कशन, वेडनेसडे जो जीओसी का डिस्कशन आज था, जीओसी लेवल 2 प्लस जो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म बच गया है वो थर्सडे, पूरा वो जो जीओसी का आपको सॉरी जो आपको आइसोमेरिज्म की डीपीपी दी गई है प्लस गैशियस स्टेट में क्या बाकी है भाई, मॉड्यूल बाकी है थोड़ी सी और फिर उसके आगे वाले बाकी है चैप्टर्स, थोड़ी सी क्या पूरी बाकी मॉड्यूल, ठीक है सर, तो गैशियस का मॉड्यूल एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी का है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को सर स्क्रीन गई, सर भी गए, आ गया मैं आ गया, सर टेस्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ तक आने वाला है? पूरा इतना पढ़ा दिया सर, आपने बोला ही नहीं पूरा है, आपने तो फिर बोला कि बस स्टार्टिंग का थोड़ा आएगा सर, आज आइसोमेरिज्म मतलब कल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है सर, इतना बड़ा कैसे होगा सर, ऑलरेडी फुल सिलेबस है, कब रिवाइज करने वाले सर, ये बॉन्डिंग भी करना है। हाँ सर, तो ये थर्सडे तक का डिस्कशन प्लान है, इसके बाद का इसके बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है सर? हाँ सर, एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन क्लास लो ना, जैसा आपने नॉमेनक्लेचर के वक्त लिया था वैसा। बताता हूँ मैं, चलेगा? ठीक है सर, बाय बाय। सर रुको ना सर, सर फोटो तो निकालने दो, नहीं फोटो मैं निकाल के भेज दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक।